பண்ணீங்க எஞ்சாக்குள்ள நிக்குள் மாத்தாக்குள்ள யான் சவுக்கே உள்ள வெல்கம் டு அ நியூ வ்ளாக் ஆஜ் சண்டே ஹே ஆஜ் அனன்யா கி ஃப்ரெண்ட் और उसकी मॉम मेरी फ्रेंड प्रिशा का बर्थडे है तो मैं और अनन्या प्रिशा के बर्थडे के लिए जा रहे हैं वाकड़ और अब एक वेट कर रहे एक और फ्रेंड हमारे साथ जाने वाली है तो फिर हम साथ में जाएंगे एंड वहाँ पे आज देखते हैं क्या क्या मस्ती करते हैं क्या क्या होता है बर्थडे पार्टी में तो वो आप सभी के लिए लेके आएंगे सो लेट्स गो एंड मिलते हैं थोड़ी देर में लेट्स सी आज क्या क्या हम मज़ेदार चीज़ें करते हैं अक्षता और अनन्या घर पे आ गए हैं और अनन्या को मिले हैं दो दो रिटर्न गिफ्ट्स तो अनन्या चलो ओपन करते हैं अभी ओके ऊपर आ जा मैंने ओपन कर दिया अच्छा अनन्या ने ओपन कर भी दिया अरे बाप रे क्या ये पजल आया है क्या ओएमजी मस्त है रे वाह वाह दूसरा भी खोलो दूसरा दूसरा भी खोलो ना तो दूसरा हेल्प कर थोड़ा मैं और अनन्या अभी आ गए घर शाम के 5 बज चुके हैं दवा के दाल बाटी खाया मैंने वहाँ पे और अनन्या को तो बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है पजल्स मिले बहुत सारे पजल्स हैं और एक ABCD और 1-2-3 का सेट है तो बहुत अच्छा एकदम मिला है गिफ्ट में पैंडा लेपर्ड जब मैं और अनन्या गए थे मेरी फ्रेंड के घर तो तभी विराज ने मेरे लिए एक वर्कआउट के लिए टी शर्ट लेके आया एकदम अच्छा है ड्राई फिट क्योंकि मुझे आजकल वर्कआउट के लिए थोड़ा ऐसा वाला मटेरियल का क्लोथ्स का बहुत ज़रूरत होता है क्योंकि 2 घंटा वर्कआउट होता है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग में मतलब वो पूरा टी शर्ट ख़राब हो जाता है तो ऐसा वाला टेक्सचर इज़ बेटर ताकि थोड़ा दिख के नहीं आता है तो अभी तो दिन का 2 घंटा वर्कआउट तो होता है इन जनरल क्योंकि ये जो कमिंग सैटरडे या संडे को कुछ एक लोकल इवेंट है अगर तब तक मेरा प्रिपरेशन अच्छा होता है तो मेरे कोच ने कहा है कि मुझे पार्टिसिपेट करना होगा एंड वो नहीं तो उसके बाद तो डेफिनेटली एक नवंबर में एक इवेंट है वो जो नासिक में हो रहा है वहाँ तो मैं पक्का ही जा रही हूँ जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट चल रहा है काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना बिल्ड करने की ज़रूरत है मेरा स्टैमिना बहुत लो है ओवर द पीरियड वर्कआउट ना करने की वजह से एंड ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी तो बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो अब फिलहाल चल रहा है तो स्लोली स्टडीली होपफुली नेक्स्ट ईयर तक काफ़ी अच्छा होगा इवेंट के लिए पार्टिसिपेशन करने के लिए भी मेरा बॉडी काफ़ी रेडी हो जाएगा 12 ईयर्स के गैप के बाद इवेंट पार्टिसिपेट करना वो भी
एक डिलीवरी के बाद सी सेक्शन के बाद तो काफ़ी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं एंड बॉडी वेट बढ़ने की वजह से भी काफ़ी चेंजेस हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। तो ये एथलेटिक्स में कोई भी इवेंट हो, शॉट पुट डिस्कस्ड हो, जो थ्रोइंग इवेंट्स हो या रनिंग इवेंट हो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो फिर आप अच्छा इवेंट नहीं कर सकते, ऐसा इट इज़ सेड। तो ये बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो विराज का तो हमेशा से ही सपोर्ट रहा है। तो देखिए, मैंने मांगा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने जाके एक टी शर्ट लेके आए बेचारे मेरे लिए जब मैं नहीं थी। वो उनका कुछ लेने गए थे तब मेरे लिए लेके आए, वेरी स्वीट ऑफ। तो अब शाम के 6:45 अराउंड हो गए हैं, अब भगवान की पूजा करेंगे। जैसे आपको पता है घट है घर में, तो आरती रोज हम करते हैं शाम को। एंड उसके बाद कल के लिए देवी के लिए जो जो फूल होता है वो बेनी बोलते हैं उसे, वो लाना है और कुछ सब्जी भी लाना है, घर में काफ़ी सब्जी नहीं है। तो अब वो सब करने के लिए मैं नीचे उतरूँगी एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब शाम का वक्त हो गया है तो अब आरती करेंगे। अब तो दिया लगाना है, 7 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो अब पहले दिया लगाएंगे तुलसी को और भगवान जी को, तो दिया लगा दिया और उसके बाद आरती करेंगे। चलो चिकू। यहाँ पे बाहर हमारे तुलसी जी का, हम यहाँ पे भी दीवा लगाते हैं। बालकनी में जितना स्पेस है उसमें पॉसिबल है, वहाँ पे हमने तुलसी का छोटा सा एक पौधा लगाया हुआ है। शाम के वक्त में ये जो पूजा होती है, भगवान जी को दिया लगाया जाता है, उसका एक घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हमारे घर में ये और हर किसी के घर में आई थिंक ये ट्रेडिशन कल्चर है, उसकी वजह से अनन्या को भी काफ़ी सीखने मिलता है। तो ये हम डेडिकेटली फॉलो करते हैं एंड हर रोज़ इसे करते हैं। और अनन्या भी शुभम करुति कहती है रोज़ उसके दादी के साथ या मेरे साथ। तो अब आरती करते हैं घट की और उसके बाद देखते हैं, शायद थोड़ा नीचे जाएंगे। आज फॉर अ चेंज विराज लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बैठे थे और काफ़ी मैं जीत गया। आज लूडो गेम चल रहा था, मैं एक राउंड हार गई और विराज जीत गया स्क्रीन पे। और मैंने क्या किया मालूम है क्या, उसको है ना लास्ट एक चाहिए था, सिर्फ एक। और मैंने अक्षता को बोला, अक्षता प्लीज कम, क्योंकि एक है तुम्हारा गेम है, तुम्हारा लाइव स्ट्रीम है, तो अच्छा नहीं लगता ना किसी और के लाइव स्ट्रीम पे तुम जीत गए। तो मैंने अक्षता को बोला आ जा और क्लिक कर, तो वो हाँ आ रही आ रही, और मैंने ऐसे ही मजाक में उसको क्लिक कर दिया, काम हो गया। ये सब झोल है, सीपीयू का सब झोल है, ये विराज और ये लोग ना सब सेटिंग करके जीते। मेरा तो फर्स्ट वाले में आई थिंक हार्डली एक बार शायद से 6 आया, और उसके बाद जब भी बाहर निकालना था तभी गेम कम, इट वाज ओनली 2-1 2-1, इसलिए मैं हारी। विराज वाज लिटिल लकी, यू नो, नथिंग एल्स। सो फाइनली आज का दिन होता है समाप्त और आज का ये ब्लॉग भी हम करते हैं समाप्त। कल वापस मिलेंगे, कुछ नया करते हैं, लेट्स सी। आई होप कि आप हमारे लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन करें, गेम से ज़्यादा बातचीत करने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई होप आप सब भी हमारे लाइव स्ट्रीम में आके हमसे गपशप करें एंड स्टे ट्यून्ड, कल वापस मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड नाइट, बाय बाय।